क्लियर साइन, क्या आप इंडिगो, क्रिस्टल और रेनबो चाइल्ड हैं? क्या आपको कभी लगता है आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते? कुछ अनजाना सा, कुछ अजीब सा, कुछ स्ट्रेंज लगता होगा आपको यहाँ इस अर्थ पर। अगर आपको भी स्टार्स, स्काई एंड नेचर को निहारते रहने की आदत है, शौक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। या फिर अगर आपके घर में कोई बच्चा कुछ अलग हो, उसके बिहेवियर दूसरों से थोड़े अलग हों, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे किसे कहते हैं स्टार चिल्ड्रन या स्टार सीड्स। स्टार सीड्स उन्हें कहते हैं जो यूनिक हों, जिनमें ईश्वर के कुछ ऐसे गिफ्ट्स हों जो आप देखते ही समझ जाएंगे। दे आर ब्यूटिफुल, लविंग येट स्ट्रांग विल्ड सोल्स। फियर, ग्रीड, मैनिपुलेशन से परे होते हैं ऐसे स्टार सीड्स। उनमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देखने को मिलेगा। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही पता चल जाता है कि उनका ट्रू पर्पस क्या है इस पृथ्वी पर आने का। स्टार सीड्स दूसरे प्लैनेट से आए हुए सोल हैं। उन्हें घर जाने की बेचैनी रहती है, घर मतलब जहाँ से वो आए हैं। अब डिटेल्स में जानते हैं स्टार सीड्स के टाइप, मीन्स इंडिगो, क्रिस्टल एंड रेनबो के क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो स्टार सीड्स के। वैसे अगर एक फिगर आपको मुझे बताना हो, तो इंडिगो स्टार सीड्स का इनकार्नेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद, खासतौर से आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उसके बाद बल्क में इंडिगो चाइल्ड इनकार्नेट हुए, जिनका ईयर अप्रॉक्स आप समझ लीजिए 1960 to 1990s के बीच में। इंडिगो चाइल्ड 1960s to 1990 के बीच में इंडिगो चाइल्ड का इनकार्नेशन हुआ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन ईयर्स में जिनका भी जन्म हुआ हो वो सभी इंडिगो चाइल्ड ही होंगे। क्वालिटीज ऑफ इंडिगो चाइल्ड देखते हैं, क्वालिटीज क्या हैं। मैं कुछ यहाँ पे 11-12 क्वालिटीज़ आपको, जो मेजर मेन क्वालिटीज़ हैं, उनको आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। नंबर वन क्वालिटी इंडिगो चाइल्ड। इंडिगो चाइल्ड की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी और शार्प माइंड के साथ हेड स्ट्रांग होते हैं इंडिगो चाइल्ड। पॉइंट टू है, क्वालिटी नंबर टू है, प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे इंडिगो चाइल्ड। बहुत पुरानी भी कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें नया तरीका मिल ही जाता है सॉल्यूशन ढूंढने में। थर्ड क्वालिटी इंडिगो चाइल्ड कैरीज अ रिबेलियंस स्ट्रीक एंड डिसलाइक अथॉरिटी। अथॉरिटी को डिसलाइक करने का यहाँ पे ये मतलब है, जो अथॉरिटीज़ ऐसे हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके या मैनिपुलेटिव वे में काम करते हैं, उनको डिसलाइक ये करते हैं इंडिगो चाइल्ड। क्वालिटी फोर इंडिगो चाइल्ड का, कुछ नेगेटिव कर्मा इसी लाइफ टाइम में क्रिएट कर लेते हैं, जिनको हील करना इंडिगो चाइल्ड को होता है। क्वालिटी नंबर फाइव, नेचर के साथ, बर्ड्स के साथ, प्लांट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इंडिगो चिल्ड्रन। सिक्स क्वालिटी, सिक्स, दिखने में बहुत इमोशनल लगेंगे और होते भी इमोशनल। मूड स्विंग बहुत फ्रिक्वेंट होता है इंडिगो चाइल्ड का। सेवन पर्सनालिटी ट्रेट्स, कभी कभी लॉस्ट फील करते हैं, ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड बाई अदर्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स एट इंडिगो चाइल्ड, कुछ एंटी सोशल टाइप लग सकते हैं दूसरों को, या सोसाइटी में बहुत मिक्सअप नहीं हो पाते तो लोग समझते हैं कि एंटी सोशल हैं, या उन्हें हट के रहना पसंद आता है, इसलिए सोसाइटी से मिक्सअप नहीं हो पाते जल्दी। पॉइंट नंबर नाइन, इंडिगो चिल्ड्रन में एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ वर्थ देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 10, हाइपर सेंसिटिव टू द पर्टिकुलर प्लेस और पीपल, ये भी ट्रेन रहता है इंडिगो चाइल्ड में। पॉइंट नंबर 11, वेरी स्ट्रांग मेडिटेशन स्किल्स पाई जाएगी, बहुत अच्छा मेडिटेशन कर लेंगे। और पॉइंट 12, इंडिगो चाइल्ड कैन बी कॉल्ड द ट्रेल ब्लेजर्स, लीक से हटकर काम, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया हो सोसाइटी में या उनके फैमिली में, वो ऐसा काम करने में बिलीव करते हैं और कर भी दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। इंडिगो चाइल्ड्स आर वेरी रेयर, वेरी यूनिक। अगर आप
इनके अंडर में आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्रिस्टल चिल्ड्रन किसे कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी आता है स्टार सीड्स में, फर्स्ट हुआ इंडिगो चाइल्ड, सेकेंड है क्रिस्टल चाइल्ड। क्रिस्टल चिल्ड्रन किसे कहते हैं? क्रिस्टल चिल्ड्रन वो स्टार सीड्स होते हैं जो स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कहीं जाकर लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करें, वो अपनी बातों से, अपने एक्शन से हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिस्टल चिल्ड्रन आर हाईली सेंसिटिव ओल्ड एम्पैथेटिक सोल्स होते हैं। इनका इंकार्नेशन 1980s से 1990 के बीच हुआ होता है। 1980s से 1990s के बीच में इनका इंकार्नेशंस हुआ रहता है। वैसे प्रेफरेबली अगर देखा जाए तो ये थियोरीज है, पर मेरा पर्सनल मानना है कि इनका इंकार्नेशन 1990s टू 2000 के बीच में हुआ रहता है। मोस्टली देखा जाएगा जाता है, मैंने अपने रिसर्च में देखा कि 1990s टू, तो मेरा ये मानना है, तो मैं भी इसी पे ही फोकस करना चाहती हूँ कि अगर इनका इंकार्नेशन की ईयर अगर पूछा जाए, एरा पूछा जाए, तो 1990s टू 2000 तक इनके जन्म, इनका इंकार्नेशन ऑन अर्थ प्लेन पे हुआ। कॉमन ट्रेड्स देखते हैं क्रिस्टल चिल्ड्रन के क्या क्या होते हैं। बहुत क्रिएटिव होंगे क्रिस्टल चिल्ड्रन, मिराकल क्रिएटर्स, दे आर जस्ट मिराकल क्रिएटर्स इन्हें कहा जा सकता है। पर्सनालिटी ट्रेड्स सेकेंड, नेचुरल हीलर्स होंगे क्रिस्टल चिल्ड्रन। थर्ड पर्सनालिटी ट्रेड्स, एनिमल्स बर्ड्स को समझने वाले एंड उनके एनर्जी को सेंस करने वाले होते हैं क्रिस्टल चिल्ड्रन। पर्सनालिटी ट्रेड्स फोर, कभी कभी उन्हें ऑटिस्टिक चिल्ड्रन समझा जाता है एज दे डोंट फिट इन विद द अदर चिल्ड्रन। तो ऑटिज्म के शिकार भी हो सकते हैं, सब नहीं, कुछ बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो सकते हैं क्रिस्टल चिल्ड्रन। फाइव, छोटी उम्र में ही साधु महात्माओं की कहानियाँ, उनकी बातें या कुछ ऐसी पिक्चर देखने के शौकीन होंगे जो नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं देखेंगे। पर्सनालिटी ट्रेट सिक्स क्रिस्टल चिल्ड्रन का, क्रिस्टल चिल्ड्रन कभी भी स्ट्रेस या केओटिक सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल या डील नहीं कर पाते और दे डोंट परफॉर्म वेल अंडर दिस सिचुएशन, घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। पर्सनालिटी ट्रेट सेवन, अक्सर उनकी बातों से शो हो जाता है कि वो फिट नहीं हो पा रहे हैं इस अर्थ पर। पर्सनालिटी ट्रेट एट ऑफ क्रिस्टल चिल्ड्रन, दूसरे लोगों की एनर्जी का इफेक्ट क्रिस्टल चाइल्ड पर बहुत जल्दी पड़ता है, जिसका उनको पता भी नहीं चल पाता। क्या है पर्सनालिटी ट्रेट नाइन क्रिस्टल चिल्ड्रन का? दे आर वेरी गुड एट मेडिटेशन, वो भी मेडिटेट कर लेंगे जस्ट लाइक इंडिगो चाइल्ड। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, लेट डेवलपर्स भी हो सकते हैं क्रिस्टल चिल्ड्रन। लेट डेवलपर्स, दे कैन स्पीक लेट और समथिंग लाइक दैट, बोलना देर से सीखेंगे, चलना जैसे और बच्चों से, बच्चे चल लेते हैं 2 साल तक, लेकिन 1.5 से 2 साल तक बच्चे चल लेते हैं, ये चलने में थोड़ा सा और लेट डिले करेंगे, या बोलने में इनको जैसे 8-9 महीने तक थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, लेकिन ये बच्चे बोलते हैं साल सवा साल जब उनकी एज हो जाती है उसके बाद से या उससे भी बाद। तो लेट, थोड़ा सा लेट डेवलपर्स होते हैं, तो कोई भी काम थोड़ा सा लेट उनका होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे 5 साल के बाद वो सब, फिर उसमें उनमें वो सारी कैपेसिटीज आ जाती है, लेकिन जब छोटे रहते हैं, उनकी उम्र छोटी रहती, तो जैसे चलना देर से सीखना या बोलना देर से सीखना, ये सारी बातें 4-5 साल तक की उम्र तक इनमें देखने को मिल सकता है। 11 पॉइंट है क्रिस्टल चाइल्ड का, मल्टी टैलेंटेड होने के साथ ही फन लविंग, दे लव टू हग, दे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट्स, और कुछ क्लिंगी होते हैं पेरेंट्स से, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स भी देखने को मिलता है। 12, इनकी आंखें
गोल राउंड आईज होंगे, आंखें बहुत ब्राइट होंगी और पेनिट्रेटिंग आईज होगा। चलिए देखते हैं, अब थर्ड स्टार सीड्स के कैटेगरी में रखा जाता है रेनबो चिल्ड्रन। रेनबो चिल्ड्रन न्यू जनरेशन के बच्चे होते हैं। इनका इनकार्नेशन ईयर 2000 ऑनवर्ड्स हुआ होता है और आगे के कुछ साल तक रेनबो चिल्ड्रन आते रहेंगे। रेनबो चिल्ड्रन गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं और उन्हें ये डीप डाउन पता होता है कि वो उनका सोल पर्पस या सोल मिशन क्या है। रंगों के साथ उनका रिश्ता बेहद खास होता है, कभी कभी थोड़े शाई भी हो सकते हैं रेनबो चिल्ड्रन। रंगों के साथ मतलब जो रेनबो कलर्स हैं, खास तौर से जो रेनबो में जितने कलर्स हैं उन सब रंगों को कलर्स को बहुत पसंद करते हैं। उनके साथ खेलना, उन्हीं की जो ड्रेस भी पहनेंगे तो एक से रंग वाले नहीं पहन सकते, तो रंगों के साथ उनका कनेक्शन बहुत ही गहरा होता है। कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं रेनबो चिल्ड्रन का। नंबर वन, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आँखें ब्राइट एनर्जेटिक एंड बबली होंगी। आँखें बड़ी बड़ी होंगी और कैप्टिवेटिंग आइज होगा रेनबो चाइल्ड का। पर्सनैलिटी ट्रेट्स टू, दे हैव सम पर्सनल पावर ऑल्सो। ये पावर कुछ भी हो सकता है, बातों से पावर, या कुछ ऐसी पावर जो वो अभी तक हो सकता है बच्चे, क्योंकि अभी वो बच्चों के ही कैटेगरी में आएंगे ईयर 2000 ऑनवर्ड्स, तो या फिर जस्ट यंग हुए होंगे तो अभी तक हो सकता है वो अपनी पावर को अनलॉक नहीं कर पाए हैं, तो लेकिन उनमें एक जबरदस्त पर्सनल पावर देखने को मिलता है। थर्ड, किसी से नहीं डरने वाले, फियरलेस होते हैं रेनबो चिल्ड्रन। फोर पर्सनालिटी ट्रेट्स रेनबो चिल्ड्रन के, अपने लाइफ के लिए बहुत अधिक पैशनेट होते हैं। लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के लिए, लाइफ के लिए उनमें बहुत अधिक पैशन देखा जाएगा। फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स रेनबो चिल्ड्रन आर एफर्टलेस मैनिफेस्टर। उनको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने जो चीज़ मांगा अगले दिन उनके सामने हाजिर हो जाता है, तो ज़बरदस्त मैनिफेस्टेटर होते हैं रेनबो चाइल्ड। पॉइंट सिक्स है, कलर बहुत पसंद होगा, प्रेफरेबली ऑल रेनबो कलर्स। जो कि इसलिए कलर्स पसंद होगा क्योंकि वो नाम से ही रेनबो चिल्ड्रेन, तो उनको कलर से बहुत खेलना। उनको अगर टॉयज भी चाहिए तो कलर्स, अगर उनको साइकिल बाइक भी चाहिए तो एक साथ, एक से कलर वाले नहीं चाहिए उनको। बाइक भी अगर खोजेंगे तो कुछ ऐसा, सॉरी ड्रेस भी अगर खोजेंगे तो कुछ ऐसे जिसमें हमेशा वैरायटीज हो कलर का, चाहे बी ये फीमेल और मेल। पर्सनालिटी ट्रेट सेवन, मेंटल हेल्थ इशू नहीं होता चाहे, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ों को ग्रजेस उनके अंदर भर के वो रखते नहीं हैं, एकदम फ्री फ्लो होती है लाइफ, किसी से डरते नहीं हैं, तो मेंटल हेल्थ इशू बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होता। मेंटली बहुत साउंड होते हैं रेनबो चिल्ड्रन। एट पॉइंट नंबर एट, उनका एक और पर्सनालिटी ट्रेट्स, दिन में कुछ टाइम निकाल कर चुपचाप बैठना भी देखा जा सकता है। पर्सनालिटी ट्रेट नाइन रेनबो चिल्ड्रन के, नेगेटिव इमोशंस रेनबो चिल्ड्रन पर उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, एज दे आर क्विकली एबल टू रिकवर। तो कुछ भी नेगेटिव बातें या नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिविटी, इन पे ज़्यादा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाता, थोड़े ही टाइम के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं रेनबो चिल्ड्रन। 10 साइकिक रीडर होते हैं रेनबो चिल्ड्रन, लोगों की फीलिंग्स को बहुत ही आसानी से समझने में काबिल। 11 पर्सनालिटी ट्रेट्स रेनबो चिल्ड्रन की, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले होते हैं रेनबो चाइल्ड। अपनी ही दुनिया में एकदम मगन, उनको उनके साथ अगर खेलने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं, तो वो बोर ज़्यादा नहीं हो पा होते और वो अपनी ही दुनिया में खुश और मगन रहते हैं, एंजॉय देयर ओन कंपनी। पर्सनालिटी ट्रेट 12 रेनबो चिल्ड्रन की ये देखी गई है कि रेनबो चिल्ड्रन गैजेट्स के साथ
बहुत ज़्यादा अच्छा उनका एक हार्मनी या तालमेल बैठा लेते हैं। ये ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है कि रेनबो चिल्ड्रन की गैजेट्स, जो आजकल के जो गैजेट्स हैं, लैपटॉप, मैकबुक या कंप्यूटर या इनमें से कुछ, इनको समझने में देर नहीं लगती। तो बेहद जल्दी और आसानी से रेनबो चिल्ड्रन ये गैजेट्स या टेक्निकलिटी, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो मतलब फिजिकल माइंड के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंड दोनों ही एक साथ काम करता है रेनबो चिल्ड्रन का। तो ये थे कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स, मैंने 12 पर्सनालिटी, मेन मेन पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बताएं। आप देखिए क्या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो रेनबो चाइल्ड या क्रिस्टल चाइल्ड हो सकते हैं, क्या आप इंडिगो चाइल्ड हैं, या क्या आपके खुद आपने देखा है अपने आसपास, या आपको अगर ये इनमें ट्रेट्स में से कुछ अगर ट्रेट्स ऐसे लग रहे हैं कि हाँ आप इनसे रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इन जो स्टार सीड्स होते हैं, चाहे आप हों या आपके घर में ग्रैंड किड्स या आपके खुद के किड्स, तो इन सबको कुछ नियमों का भी, रूल्स का भी, बहुत अधिक कुछ रूल्स हैं उन्हें मानना, यू नो, फॉलो करना होता है। मैं दो चार रूल्स यहाँ पे बता दे रही हूँ। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं या आप खुद अगर स्टार सीड्स हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, रेगुलर मेडिटेशन करने के लिए बोलें, भले ही वो 15 मिनट्स से शुरू करें, लेकिन रेगुलर मेडिटेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, नेचुरल फूड खाने को बोलें, वेजिटेबल्स और अगर हो सके वीगन, वीगन अगर नहीं हो पाए कम से कम वेजिटेबल्स, आई मीन वेजिटेरियन, कम्प्लीटली वेजीज, जो एक नेचुरल फूड हो उन्हें फॉलो करें। और अनहेल्दी या फास्ट फूड से या कैन ड्रिंक से, अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहने के लिए बोलें। थर्ड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में स्टार सीड्स हैं या रेनबो किड्स या क्रिस्टल चाइल्ड या इंडिगो आप अगर खुद हैं, तो उन्हें रेगुलरली सॉल्ट बाथ से नहाने को बोलिएगा और उनकी ऑरा को लॉक करना उन्हें बताइए, सिखाइए। और साथ ही उनमें ऐसे ट्रेट्स या ऐसी चीज़ें डेवलप कराइए कि जल्दी वो बहुत लोगों से, बहुत ज़रूरी ना हो तो घुले मिले ना, या उठे बैठे ना, या क्योंकि उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है या ड्रेन हो सकती है, तो ऐसे में उन्हें एनर्जी कैसे सेव करना है, ये बातें भी बेहद ज़रूरी है। तो अगर स्कूल गोअर्स हैं या कॉलेज गोअर्स हैं, रेगुलर ऑरा लॉक करना सिखाइए, सॉल्ट बाथ से नहाना बेहद ज़रूरी है इनको। और इसके साथ ही साथ पॉइंट 4 ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में या आप खुद अगर इनमें से स्टार सीड्स के जो पॉइंट्स हैं, स्टार सीड्स के जो टाइप हैं, अगर उनमें आते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ टाइम कंक्रीट वर्ल्ड से हटकर नेचर में भी बिताएं। जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चा स्टार सीड है, या कोई बच्चा क्रिस्टल चाइल्ड है, या अगर कोई बच्चा रेनबो चिल्ड्रन है चाइल्ड है, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ी देर के लिए लैपटॉप से हटके, मोबाइल से हटके उन्हें बोलिए थोड़ी देर पार्क में जाके खेल आए, या खुद के आपके घर में अगर गार्डन एरिया है वहाँ पे आधी 1 घंटा वहाँ पे बैठने को बोलें। आप उनके साथ जाइए, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो, खुद नहीं अगर जाना नहीं चाहता, तो आप उनको एकोम्पनी कर सकते हैं, या उनको, मतलब एक कहने का ये है कि नेचर के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने अंदर जो पावर या स्पिरिचुअल गिफ्ट से उसे अनलॉक कर पाएगा वो बच्चा। या अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो थोड़ी देर नेचर में ज़रूर ज़रूर बैठें, या ज़रूर जाएं, पार्क हो, या अगर आप सी साइड एरिया में रहते हैं, या रिवर साइड एरिया में रहते हैं, या हिली एरिया में रहते, या अगर प्लेन में भी रहते हैं, तो पार्क में जाइए। कुछ ऐसे अगर आपके घर में अपना गार्डन बगीचा हो, तो वहाँ पे प्लांट्स के बीच में रहिए, थोड़ी देर चेयर लेके बैठिए या घूमिए बेयर फुट ग्रास, ग्रीन ग्रास के ऊपर, ये बेहद ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट्स जो अगर बच्चा एकदम यूनिक बच्चा हो, या आप अगर खुद स्टार सीड्स हो या क्रिस्टल चाइल्ड हो या रेनबो चाइल्ड या इंडिगो चाइल्ड, तो प्लीज़ इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये, क्योंकि ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट आई थी,
कमेंट बॉक्स में से लेके मुझे व्हाट्सएप में भी आप लोगों ने बताया कि है कि क्या होता है, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स है, क्या क्वालिटीज़ पाई जाती है इन सब की। तो आज मैंने सोचा कि हाँ आप लोगों को गाइड करना चाहिए, तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर ट्विन फ्लेम रिलेटेड या पर्सनल लाइफ सिचुएशन रिलेटेड या करियर रिलेटेड या कोई लव रीडिंग रिलेटेड या कुछ ऐसी सिचुएशन है लाइफ की जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप रीडिंग या बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज वेल एज ट्विन फ्लेम कोच, तो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फीस जान सकते हैं क्योंकि पर्सनल सेशन पेड होगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहती हूँ कि आप बहुत खुश रहिए, आप सभी खुश रहिए, और जिस मिशन से इस अर्थ पर आए हैं उसे जल्दी से समझ के आप कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।